अच्छे से पक गया है इधर को भी। और ये देखिए भांग का पेड़ का भी देखा आप लोगों ने, ऐसे भांग का पेड़ देखिए कितना बड़ा, एक ही पेड़ है ये पूरा यहाँ पे। और ये पता कौन सी भांग, पहले यहाँ पे वो थे जो रेशम कीड़ा पालन करते थे, तो उनके लिए थे आए शहतूत के पेड़। तो यहाँ पे अभी ये दूसरे पेड़ लगा रखे हैं, मेरे को तो आज ही पता चला कि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सर उड़ाना स्वागत करती हूँ आपके आज के नए वीडियो में। तो चलते हैं, करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नई दिन के साथ। तो रात को हम बहुत लेट तक रहे हैं वहाँ पे पंचायत भवन में, क्योंकि वहाँ पे कार्यक्रम चलता रहा और 1-2 बजे तक, तो इसलिए हम वहीं पे थे। तो अभी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं लेट कर रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ, अभी मैं देखो आप चल रही हूँ, मैं देख रहे होंगे आप। तो मैं जा रही हूँ अभी बड़ी भाभी के मायके, और बड़ी भाभी का मायके दूर नहीं है अपने गाँव से, बसंत नगर से। तो उनके घर पर जा रही हूँ मैं अभी, अभी वो बुलाए हैं तो उनके घर पर जा रही हूँ मैं। और भाभी तो आगे चले गई है शिवांश को लेके, और मैं जा रही हूँ अभी। इधर का देखो व्यू कितना अच्छा है इधर को, तो हमारे घर से नीचे है, मतलब दिखता नहीं है, हमारे घर से दूर है थोड़ा, तो वहाँ जा रही हूँ अभी मैं। और मैं उनके घर पहुँच गई हूँ, और वो अपने घर से थोड़ा आगे जा रखे, देखिए कहाँ पे जा रखे, अभी दिखाती हूँ मैं उनको। और यहाँ पे अभी इनका अच्छा धान लगा रखा है, ये देखिए अभी धान भी कच्चा है इस पर, अभी इस पर दाने भी नहीं पड़े हैं। ये लोग आ रखे हैं यहाँ पे मछली पालन करते हैं लोग, अभी नया नया काम शुरू करा है उन्होंने, तो मछलियाँ भी अभी छोटी है। देखिए कितना बड़ा बना रखा है उन्होंने, मछली का तालाब बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए उन्होंने पर्सनल बनाया अपना। और अभी इसमें 6,000 मछलियाँ पड़ रखी है इसमें, लेकिन मछलियाँ बहुत छोटी छोटी है, हल्की सी हरकतें करती हुई दिख रही है, और उसमें दिख नहीं रही है अभी, और शायद हमारे शोर से वो ऊपर आ भी नहीं रही है, जब चुप हो जाए तभी निकलती है वो ऊपर। वो देखिए यहाँ पे, अरे इसमें पानी लगा रखा है मैंने, ये देखिए ये पानी चलता रहता है इसमें कभी। ये देखिए मछलियाँ हल्की से हरकतें कर रही है इसमें, ये देखिए चल रही है सारी मछलियाँ इसमें, हल्की हल्की दिख रही है पानी में हरकतें करते हुए, देखिए। ये देखिए बहुत बड़ा बना रखा है इन्होंने ये, तो अभी तो नया नया ही है, और मछलियाँ भी इसलिए छोटी है अभी, इनको पालेंगे तब बड़ी होगी, और अभी हल्की हल्की हरकतें कर रहे हैं इसमें। अरे है उपेंद्र सिंह राणा, देखे केले के पेड़ को पानी दे रहे हैं सूख गया कि इसलिए पानी पिला रहे हैं केले के पेड़ को, इसको केले के पेड़ का बहुत शौक है, भाभी का बड़ा भाई है। हाय तो बोल दे, हाय। अरे देखिए इनके घर के ठीक बगल में है फार्म, ये फार्म है उसका शहतूत का, हम अपनी भाषा में उसको केमू बोलते हैं। और देखिए उसके पेड़ भी कितने बड़े बड़े हो रखे हैं कुछ कुछ, और भी पेड़ लगा रखे हैं इसमें, तो इसमें घास बहुत होता है, पूरे गांव वाले इसमें घास काटते हैं। और यहाँ पे सरकारी बन रखा है यहाँ पे, जो इसके अंदर जिसके अंडर में ये फार्म होता है वो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा है यहाँ से, ये देखिए। और पूरा प्लान भी है यहाँ पे, और घास काटने में यहाँ पे सुविधा होती है, और क्योंकि अपने अपना घास रखा होता है यहाँ पे। पहले यहाँ पे बहुत शहतूत के पेड़ होते थे, आजकल तो कम हो गए। पहले यहाँ पे वो थे जो रेशम कीड़ा पालन करते थे, तो उनके लिए थे आए शहतूत के पेड़। तो यहाँ पे अभी ये दूसरे पेड़ लगा रखे हैं, मेरे को तो आज ही पता चला कि टॉन्स नाम का कोई पेड़ होता है, उस चीज़ का पेड़ है ये। और कीड़े भी अभी उसी हिसाब से आएंगे जो इन पत्तियों को कर खाएंगे, क्योंकि पहले जो रेशम के कीड़े आते थे वो शहतूत के पत्ते खाते थे, तो अब ऐसे आएंगे कि तो इनके वो खाएंगे वो अब, तो इसकी अभी जनसंख्या और भी बढ़ेगी, और भी लगाएंगे इस पेड़ को, ये देखिए। तो वो बड़े बड़े भी होंगे कि नॉर्मल की उसकी अपेक्षा। और ये सामने दिख रहा है नबुदे, यहाँ पे इनकी लग रखी है ककड़ी, देखिए यहाँ पे ये देखिए इनकी बहुत ककड़ियाँ होती है इनकी भाभी की, और ये लगी हुई यहाँ पे छोटी सी, और भी लगी हुई नीचे है,
और ये मैंने इधर को लगा रखे हैं टमाटर, ये बड़ी है। लौकी का है, इधर लौकी भी लग रही है, देखिए इतनी छोटी सी है अभी तो लौकी लग रही है। और इधर को पूरे टमाटर लगा रखे हैं मैंने। जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना इरादे। और ये देखे भांग का पेड़ का भी देखा आप लोगों ने, ऐसे भांग का पेड़ देखे कितना बड़ा, एक ही पेड़ है ये पूरा यहाँ पे। और ये पता कौन सी भांग होती है, खाने वाली भांग होती है जिसके दाने होते हैं, बाद में इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए कितना अच्छा है, एक ही पेड़ है इतना बड़ा है ये, जबकि भांग बारीक होती है, मतलब इतनी लगभग इतनी होती है बारीक। और लेकिन ये देखिए कितना कितना बड़ा पेड़ है, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसे भांग का पेड़। और ये खाने वाली भांग बड़ी टेस्टी होती है ये वाली भांग, ये देखिए। तो उन्होंने ये टीरीगढ़ वाल से मंगा रखा है कि अपने मायके से बाबी की मम्मी ने, इसका बीज यहाँ पे तो नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है उधर डांडों में। देखिए कितना बड़ा पेड़ है इसका, ये देखिए भाभी ला रही है घास का भारा इतना बड़ा, वहाँ से काट के लाए अपने मायके वालों के खेतों से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे फिर आ गए हम अपने घर पे। और तो आज की ब्लॉग का एंडिंग करते हैं यहीं तक। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।